नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। आगामी वर्ष में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। ये मुलाकात मीसा भारती के सरकारी आवास पर हुई। इस मुलाकात में समाजवादी नेता रामगोपाल यादव एवं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। जमानत पर जेल से बाहर निकलने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने राजनीतिक गतिविधियां और तेज कर दी हैं। चारों वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई मुलाकात की जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि एक दिन पहले राकांपा की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। इस मुलाकात को चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज जमकर हंगामा हुआ। साथ ही नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच भी काफी तीखी नोकझोंक हुई। स्पीकर ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी अध्यक्षता के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा विधानसभा की कमेटियों का अधिकार छीना गया। सदन में भारी हंगामे के चलते स्पीकर ने अनिल वाजपेयी को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। इसी बीच भाजपा विधायकों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए। हंगामे के दौरान बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक को औकात में रहने को बोला। ये बात स्पीकर को नागवार गुजरी और इस बात पर स्पीकर ने पूरे दिन के लिए उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन को भी मार्शल आउट करने का आदेश दिया गया। बागपत में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास कार्यों और अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त करनी होगी, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के काम को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री योगी ने यहां सबसे पहले महिला अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। फिर मुख्यमंत्री योगी सिसाना गांव में प्रवीण चौहान के घर पहुंचे। इस परिवार के दो सदस्यों का कोरोना से निधन हुआ था। दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की अहम बैठक हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा पार्टी के अलावा लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर करीब 40 सांसद शामिल हुए। बैठक में जेपी नड्डा ने यूपी के सभी केंद्रीय मंत्रियों को अपने अपने इलाके में आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा। साथ ही सांसदों को योगी सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इस अहम बैठक के बाद कुछ सांसदों में असंतोष भी दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आवास पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंच गई हैं। आज उनके दिल्ली दौरे का चौथा दिन है। बता दें कि ममता 5 दिनों के लिए दिल्ली में है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके अलावा ममता शरद पवार, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से भी मिल सकती हैं। ममता की इन मुलाकातों को मिशन 2024 से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन मुलाकातों का मकसद पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर उन्हें कड़ी टक्कर देना हो सकता है। पेगासस मामले और कृषि कानून के मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद का मॉनसून सत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लगातार कार्यवाही टालने की नौबत आ रही है। संसद सत्र को शुरू हुए 7 से अधिक दिन हो चुके हैं, लेकिन अधिक समय विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध की ही भेंट चढ़ा है। इसके बावजूद इनलैंड वेसल्स बिल 2021 लोकसभा में पारित हो गया है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2021 लोकसभा में पारित हो गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तेज बारिश पहाड़ी राज्यों पर कहर बनकर टूटी है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बारिश की वजह से हुए हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई है और 50 लापता हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश शिला मार्ग पर बीन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे 80 गांव से संपर्क टूट गया है। इधर राजस्थान में भी मॉनसून सक्रिय होने की वजह से बुधवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में मॉनसून सक्रिय रहेगा। राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में
धुआंधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर सभी वन्य जीव प्रेमियों को बधाई दी और कहा कि बाघों के लिए सुरक्षित प्राकृतिक वास सुनिश्चित करने तथा उनके अनुकूल वातावरण विकसित करने को लेकर भारत प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि बाघों के संरक्षण के सिलसिले में भारत की रणनीति में स्थानीय समुदाय को सबसे अधिक अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा, हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा का भी पालन कर रहे हैं, जो हमें सिखाती है कि हमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के संग समरसता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी इसी धरती पर हमारे साथ ही रहते हैं। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूलों की फीस में 15% की कटौती करने का फैसला किया है। राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए आज स्कूलों की फीस में 15% की कमी करने का फैसला किया है। फिलहाल अभी इस फैसले के बारे में किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनकी भारत यात्रा के दौरान कई मसलों पर खुलकर अपने विचार साझा किए। क्वाड को लेकर उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री लाइन पर बना ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और समुद्र सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर समान विचारधारा वाले लोकतंत्र एक साथ आए हैं। चीन लंबे समय से आरोप लगाता रहा कि क्वाड का गठन बीजिंग को टारगेट करने के लिए हुआ है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन का प्रोडक्शन चीन को टारगेट करना है, ये दुनिया को वायरस से छुटकारा दिलाने की कोशिश है।